अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डाओ मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। सो अब हम बायोलॉजी की न्यू बुक की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने ऑलरेडी बायोलॉजी की बुक से इस चैप्टर के ऊपर वीडियोस बना दी थी, बट न्यू बुक आई है तो आई थॉट के बिल्कुल मैं नई बुक से दोबारा स्टार्ट कर लूँ। और जिन्होंने वो फेडरल की लेक्चर्स मेरे लिए हैं, आई थिंक दैट विल बी सफिशेंट इनफ, बट यहाँ पर थोड़ी बहुत चेंजिंग है जो बताना ज़रूरी है। और यानी कॉन्सेप्ट सारे सेम है, एग्जाम्पल्स में फ़र्क आ जाता है कि जो पॉजिटिव फीडबैक नेगेटिव फीडबैक एग्जाम्पल मैंने दी थी, यहाँ बुक में एक और एग्जाम्पल दी गई है। तो इट्स बेटर कि मैं उसको समझा दूँ ताकि आपका कोई भी आपकी कोई चीज़ मिस ना रह जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर होम्योस्टेसिस। और सबसे पहले हम इसी होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट एक्चुअली इज़ होम्योस्टेसिस। कह रहे हैं होम्योस्टेसिस का वर्ड जो था ना, एक वॉल्टर नामी बंदा था, बायोलॉजिस्ट था, उसने बताया था। और होम्योस्टेसिस क्या है, उसने होम्योस्टेसिस को ऐसे डिफाइन किया कि होम्योस्टेसिस एक सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है। अभी सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, उस बॉडी के अंदर एक नॉर्मल चीज़ चल रही है, उसकी बॉडी एक नॉर्मल एक रिदम के अंदर काम कर रही है। लाइक मुझे पता है मेरी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर या हम सब का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट के अराउंड, ठीक है। कितना टेम्परेचर होता है, 98.6 के अराउंड होता है। अब मेरी बॉडी का ये टेम्परेचर है वो सेट पॉइंट है, मतलब मेरी बॉडी ने एक सेट पॉइंट बना दिया है कि यही मेरा टेम्परेचर है और मुझे इसी के अराउंड रहना है। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, कभी बाहर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड अराउंड 102-103 के बराबर होगा फ़ारेनहाइट में। तो अब वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर भी आपकी बॉडी जो है अपना टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करती है, वरना होना क्या चाहिए, अगर बाहर टेम्परेचर बढ़ गया तो आपकी बॉडी भी अंदर से गर्म हो जानी चाहिए। बट अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया आपकी बॉडी में कि आपकी बॉडी कंपनसेट करती है, अपने आप को रेगुलेट करती है, अंदर होने वाले तमाम प्रोसेस को रेगुलेट करती है और बहुत सारी चीज़ों को एक्टिवेट करती है, बहुत सारे सिस्टम को एक्टिवेट करती है। और उन सिस्टम के एक्टिवेट होने से होता क्या है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है ना वो 98.6 के आसपास रहता है। हाँ थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, 98.6 से 98.8 हो जाएगा, बट ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगी, इतनी चेंज नहीं आएगी कि आपकी बॉडी बिल्कुल काम करना छोड़ दे या फिर उसका काम ख़राब हो जाए। क्योंकि देखो हमें ना अपनी बॉडी की जो अंदर एक इन्वायरमेंट मौजूद है ना, आपका इन्वायरमेंट से क्या मतलब है, मतलब आपकी बॉडी में एक चीज़ क्वांटिटी मौजूद है कि आपकी बॉडी में इतने प्लेटलेट्स हैं, आपकी बॉडी में इतने वाइट ब्लड सेल्स हैं, आपकी बॉडी में सोडियम की क्वांटिटी इतनी है, पोटेशियम की क्वांटिटी इतनी है, आपकी बॉडी में कैल्शियम की क्वांटिटी इतनी है, आपकी बॉडी में आयरन इतना है, ठीक है। आप टेस्ट वगैरह कराते हो ना ब्लड टेस्ट, उसमें आप आयरन भी देखते हो, हीमोग्लोबिन भी देखते हो, ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में मौजूद हैं। तो आपकी बॉडी की ये सारी ना इंटरनल इन्वायरमेंट बनाती हैं। तो अब बॉडी क्या करती है, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने की कोशिश करती है। वो कहती है मेरी बाहर वाली इन्वायरमेंट जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, जिसमें हवा आ जाती है या फिर जो भी बाहर का मौसम है वो सब आ जाता है, कि अगर वहाँ पर कोई भी चेंज आ रहा है तो आपकी बॉडी चाहती है कि उस चेंज की वजह से मुझे कोई फ़र्क ना पड़े। तो ये सारा कुछ होम्योस्टेसिस में आता है। और ये बॉडी की एबिलिटी कि वो बाहर जितना भी चेंज आ जाए अपने अंदर ज़्यादा चेंज नहीं आने देगी, इसको कहते हैं सेल्फ रेगुलेट करना। तो होम्योस्टेसिस एक सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है, जो क्या होता है, बाय विच बायोलॉजिकल सिस्टम मेंटेन स्टेबिलिटी, कि बायोलॉजिकल सिस्टम जो है ना, लाइक हमारी बॉडी जो है वो अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करती है, यानी कि इंटरनल इन्वायरमेंट जितना भी स्टेबल था, जिस कंडीशन में, जिस टेम्परेचर पर स्टेबल था, उसी के अराउंड रहने की कोशिश करती है, वाइल एडजस्टिंग टू द चेंजिंग कंडीशन, बाहर कंडीशन जो है वो चेंज हो रही होती हैं। तो होम्योस्टेसिस बहुत ज़रूरी है, कि एक लाइफ चल रही है आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके सर्वाइवल के लिए होम्योस्टेसिस ज़रूरी है। अगर ऐसा हो के बाहर अगर टेम्परेचर हो गया है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट और अगर आपकी बॉडी का भी 102 हो जाए तो खैर इतना फ़र्क नहीं पड़ता, अगर बाहर हो जाए 110 फ़ारेनहाइट और आपकी बॉडी का भी 110 आ जाए तो फिर क्या होता है, जैसे ही आपका टेम्परेचर 107 फ़ारेनहाइट से ऊपर जाता है ना, तो आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं, हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं कि जो प्रोटीन्स जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर क्या होते हैं, डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं, आपके एंजाइम जो हैं हाई टेम्परेचर पर काम करना छोड़ देते हैं सॉरी तो फिर यही होगा कि आपकी बॉडी का फंक्शन ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए बॉडी चाहती है कि अपनी जो इन्वायरमेंट है उसे मेंटेन रखे, उसे स्टेबल रखे। तो होम्योस्टेसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ एज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी फंक्शन अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, कि बॉडी इन्वायरमेंट में चेंज आ गया है बट आपकी बॉडी अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करेगी चाहे इन्वायरमेंट में कुछ भी हो रहा हो। अच्छा, ऑर्गेनिज्म जो है वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में भी रहती हैं, एक्वाटिक में भी रहती हैं। टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट क्या होता है, या टेरेस्ट्रियल का मतलब है ज़मीन पर रहने वाला, जैसे हम इंसान हैं, एक्वाटिक वो हैं जो मछलियाँ वगैरह हैं जो एक्वाटिक इन्वायरमेंट में रहती हैं। तो दीज इन्वायरमेंट की अलग अलग कंडीशंस होती हैं, लाइक पानी में ऑक्सीजन
कम है, आपके इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो मछलियों को ऑक्सीजन हासिल करने के लिए क्या स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आप हम उसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी तरह हम इंसान हैं, हम रह रहे हैं इस टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में, तो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में क्या होता है, गर्मी बढ़ जाती है, गर्मी कम हो जाती है, सर्दी बढ़ जाती है, सर्दी कम हो जाती है, ये सारी चीज़ें होती रहती है ना। तो इन सारी चीज़ों के होने के साथ साथ हम इंसान क्या करते हैं, इन चीज़ों को मेंटेन करते हैं, चाहे बाहर जितनी भी सर्दी हो जाए आपका जिस्म इतना ठंडा नहीं हो जाता। बाहर आपने देखा होगा जो पानी रखा होता है, बाहर पानी रख दो, सर्दियों में पानी बहुत ठंडा हो जाता है, बट आपकी बॉडी अंदर से ठंडी नहीं होती, आप गर्म ही होते हो, ठीक है। अब खुद सोचो अगर हमारी बॉडी में ये होम्योस्टेसिस का सिस्टम ना होता, तो अगर बाहर भी ठंड हो गई थी, बाहर जिस तरह पानी ठंडा हो जाता है, आपकी बॉडी भी ठंडी हो जाती है और आप जम जाते हो, और फिर अगर ब्लड जम जाएगा तो सर्कुलेट नहीं करेगा, सर्कुलेट नहीं करेगा तो क्या होगा, आपके सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और आपके सेल की डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी बिकॉज ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो ये सारी चीज़ें इस बात का सबूत है कि होम्योस्टेसिस का फिनोमेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो दीज इन्वायरमेंट हैव वेरिएबल कंडीशंस, मॉडरेट टू एक्सट्रीम कंडीशन विच इन्फ्लुएंस अपॉन ऑर्गेनिज्म एंड टेंड टू डेवलप फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन दियर बॉडी अकॉर्डिंगली। या फिजिकल चेंजेस क्या हैं और फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या हैं, यार फिजिकल चेंजेस ये हैं कि आपको सर्दी लग रही है, आप ठंडी जगह बाहर से उठ के एक बंद कमरे में आ गए, फिजिकल चेंज है कि आप उठ के अपनी बॉडी को मूव करके आ गए एक अलग कमरे में, या आपने कंबल ओढ़ लिया। सेम इसी तरह फिजियोलॉजिकल चेंज क्या है कि जब आपको सर्दी लगती है ना, तो आप शिवर करना स्टार्ट करते हैं, आपको शिवरिंग होती है, उस शिवरिंग होने की वजह से पता है क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर हीट पैदा हो जाती है, और उससे क्या होता है आपको थोड़ी सर्दी जो लग रही थी वो कम लगना स्टार्ट हो जाती है। तो शिवरिंग एक प्रोसेस है जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जो किस लिए होता है, इस वजह से होता है कि बाहर टेम्परेचर कम हो गया है, सर्दी है, तो आप शिवर करना स्टार्ट कर देते हो। तो ये सारे ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, और फिजिकल चेंजेस क्या होती हैं, आप मूव कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह। अगर फ्रॉग की बात करें, फ्रॉग जो है विंटर में हाइबरनेट करता है, ठीक है, फ्रॉग हाइबरनेशन करता है, क्यों, वो अपने आप को ज़मीन के अंदर क्या कहते हैं दफन कर देगा, और मतलब ज़मीन के अंदर चला जाएगा, और जब बाहर टेम्परेचर ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, तो फिशेज जो हैं हाइबरनेशन से बाहर निकल आती हैं। तो ये भी उनकी एक फिजिकल प्रोसेस है, नॉट अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस वो होता है जो आपकी बॉडी के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। कह रहे इन व्यू ऑफ इन्वायरमेंट की चेंज, ऑर्गेनिज्म नीड टू मेंटेन दियर इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट अप टू सूटेबल लिमिट। कि इन्वायरमेंट चेंज हो रही है बट अपनी बॉडी को भी आपने मेंटेन करना है, बट मेंटेन करने का मतलब है कि आप चेंज तो करते हो बट आप थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है विद इन नॉर्मल लिमिट्स, आप बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। बाहर जितनी भी गर्मी हो जाए आपको अपनी बॉडी को एक नॉर्मल लेवल पर मेंटेन करना है। अगर बाहर ज़्यादा गर्मी होती है हमें पसीना आना शुरू हो जाते हैं, जब पसीना आते हैं पता है उससे क्या होता है, आपकी बॉडी की हीट ना थोड़ी लॉस हो जाती है। हम पढ़ते हैं ना कि स्वेटिंग इज अ कूलिंग प्रोसेस, जब पसीना निकल जाता है तो आप थोड़ा ठंड महसूस करते हो। तो ये इस बात का सबूत है कि आपकी बॉडी में फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हुआ जिसकी वजह से स्वेट पैदा हुआ, स्वेट निकला, स्वेट निकलने की वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, ज़्यादा बढ़ता नहीं है, ओके, ठीक है। तो जो बॉडी इन्वायरमेंट जो है उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, लाइक हमारी बॉडी के फ्लूइड्स हैं, लाइक ब्लड वगैरह हो गया, टिश्यूज हैं, हमारी सेल्स वगैरह हैं, ऑर्गन्स हैं, हमारा हार्ट है, सिस्टम है। अब ऐसा तो नहीं होता ना सर्दी लगी तो आपके दिल दो हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता। सो यानी कि बाहर जितनी भी चेंजिंग हो रही हो आपकी बॉडी की, जो इंटरनल इन्वायरमेंट है जिसमें बॉडी के फ्लूइड्स आ जाते हैं, वाटर वगैरह, टिश्यूज आ जाते हैं, ऑर्गन्स आ जाते हैं और सिस्टम्स आ जाते हैं, ये अपने आप को नॉर्मल लिमिट में मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गन सिस्टम है कि कैसे किडनी मेंटेन करते हैं अपने आप को। अगर हम आपको पानी की कमी हो जाए तो आप क्या करते हो, यूरिन जो आपका पास आउट होता है वो ज़्यादा डार्क कलर होता है, वो क्यों होता है हम इंशाल्लाह इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे, यू विल लर्न अ लॉट इंशाल्लाह। तो दीज कंपोनेंट आर फिजियोलॉजिकली वेल इंटीग्रेटेड, हम इन कंपोनेंट्स को जो कि ये हैं बॉडी फ्लूइड्स वगैरह हैं, आप इनको इंटीग्रेट करते हो विद इन नॉर्मल लिमिट्स, कंट्रोल करते हो, एंड दे आर एफिशिएंटली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट। अब यानी कि इन सिस्टम को कंट्रोल भी कर रहे हो, कोऑर्डिनेट भी कर रहे हो, कैसे करते हो, एंडोक्राइन सिस्टम की मदद से और नर्वस सिस्टम की मदद से। हम एंडोक्राइन सिस्टम को आगे डिस्कस करेंगे और नर्वस सिस्टम को भी आगे डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर में नहीं, तीसरा चौथा चैप्टर आपका होगा, ठीक है, ये 15 है तो वो आगे 18-19 चैप्टर में इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दैट। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम में ये होता है कि आपकी बॉडी डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज करती है। फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाए तो आपकी बॉडी से ना एक ADH हार्मोन पैदा होता है। ADH हार्मोन पता है क्या करता है, अगर आपको पानी की कमी है ना तो आप वो आपकी बॉडी को हुक्म देगा कि एक काम करो, जो आपके फ्लूइड का लॉस हो रहा है ना, कि आप ज़्यादा यूरिन पास आउट कर रहे हो, वो यूरिन कम पास आउट करो और ज़्यादा से ज़्यादा पानी अपनी बॉडी में क्या करो, रिटेन करो। तो ADH के सिग्नल की वजह से आपकी बॉडी में अगर पानी कम था, यानी कि अगर आपको प्यास लग रही है और आपकी बॉडी में वॉल्यूम कम हो रहा है, जब वॉल्यूम कम हो रहा होगा तो ADH रिलीज हो जाएगा। ADH की वजह से आप क्या करोगे, ज़्यादा वाटर अपनी बॉडी में रिटेन करोगे और ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब भी करोगे। देखो जब
आपकी बॉडी से सारा ब्लड वगैरह किडनी से गुजरता है ना, वहाँ से यूरिन बनता है। जब आपका ब्लड किडनी से गुजर रहा होता है तो वहाँ पर यूरिन बन रहा होता है। तो जब ये यूरिन का प्रोसेस है ना, उसी यूरिन के बनने वाले प्रोसेस में आपकी बॉडी वाटर को भी एब्जॉर्ब कर रही होती है। तो अगर आपको पानी की कमी है तो आपकी बॉडी ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है। जब वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगी तो अब जो यूरिन निकलेगा उसमें पानी कम होगा, बाकी यूरिया वगैरह ये ज़्यादा होगा। अगर यूरिया ज़्यादा होगा तो उसका कलर डार्क हो जाएगा बिकॉज पानी कम है, और ये सब कुछ ADHD की वजह से होता है। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दैट इन अवर नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़, ठीक है, जिसमें मैं किडनी के फंक्शन को डिटेल में डिस्कस करूँगा। बस मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको होम्योस्टेसिस में। दी सिस्टम इंश्योर द प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ होम्योस्टेटिक रेगुलेटरी फंक्शन, जो एंडोक्राइन सिस्टम जो ADH वगैरह हार्मोन रिलीज कर रहे हैं और भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं। नर्वस सिस्टम क्या होता है कि आपके ब्रेन को पता चला कि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो पता है आपकी आपका जो बॉडी का एक टेम्परेचर सेट है नॉर्मल पॉइंट पर, दैट इज 98.6। इट इज़ ड्यू टू अ कंपोनेंट ऑफ योर ब्रेन विच इज़ कॉल्ड क्या क्या, हाँ, थर्मोस्टेट कहते हैं उसको। आप अपने बॉडी का थर्मोस्टेट कहते हो, दैट इज हाइपोथैलेमस। आपके ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस का काम होता है आपकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करना। तो उस थर्मोस्टेट ने आपकी बॉडी का इंटरनल एक टेम्परेचर का सेट पॉइंट क्रिएट कर दिया है, दैट इज 98.6। अब जब भी आपकी बॉडी की टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका ब्रेन हुक्म देता है तमाम ऑर्गन्स को कि भाई तुम वो सारे काम करो जिसकी वजह से टेम्परेचर दोबारा 98.6 पे हो जाएगा। और अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर सेट पॉइंट से बढ़ जाए, यानी कि 98.6 फ़ारेनहाइट से ऊपर हो जाए, तो आप क्या कहते हो, आपको फीवर हो गया है। फीवर को पाइरेक्सिया भी कहते हैं बायोलॉजिकल टर्म में, ओके। यानी कि आपका एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों मिलके काम करते हैं, और आपकी बॉडी में जो होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म है वो रेगुलेट होते हैं। तो दी सिस्टम इंश्योर द प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ होम्योस्टेटिक रेगुलेटरी फंक्शन। अब आपकी बॉडी में जो होम्योस्टेसिस का फिनोमेना है ना, डिफरेंट तरीकों से होता है। एक है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन में ना आप बेसिकली वाटर वगैरह को मेंटेन करते हो, ठीक है, कि आपकी बॉडी में जो पानी की कमी हो रही है, अगर पानी ज़्यादा पी लेते हो आप तो आपको ज़्यादा यूरिन पास आउट करना पड़ता है, ये ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। एक्सक्रीशन यानी कि आप फीसिस वगैरह एक्सक्रीट करते हो, डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट करते हो, हम आगे डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन को डिटेल में। और थर्मोरेगुलेशन यानी कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। तो ऑस्मोरेगुलेशन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द फ्लूइड विद इन नॉर्मल रेंज विद इन अ सुइटेबल रेंज। एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। थर्मोरेगुलेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर विद इन अ नैरो रेंज, ठीक है। तो ये सारे ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन और थर्मोरेगुलेशन, इनके जरिए आपका होम्योस्टेसिस हो रहा होता है। तो होम्योस्टेसिस के तीन जरिए हैं, ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मोरेगुलेशन। ये सारे बॉडी में हो रहे होते हैं, और ये क्या करते हैं, दे एडजस्ट टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट। और ये क्या काम करते हैं, ये दोनों मिलकर काम करते हैं, और इनके काम की वजह से आपकी बॉडी का एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट विद इन सुइटेबल लिमिट्स काम करता है, ठीक है। देखो जो MDGAT में MCQs आते हैं, दे आर ऑल कॉन्सेप्चुअल्स, याद करने को भी आते हैं बट कॉन्सेप्चुअल्स होते हैं। जो याद करने की चीज़ें मैंने बता दी ना आपको, कि ऑस्मोरेगुलेशन है, एक्सक्रीशन है, थर्मोरेगुलेशन, इनकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई, फिर मैंने आपको बताया कि किस तरह आपकी बॉडी सेल्फ रेगुलेट करती है। तो जब जैसे ही आप पेपर में होम्योस्टेसिस का लफ्ज़ सुनोगे, आपके जहन में ये सारे लेक्चर्स की बातें आ जानी चाहिए, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। कि अगर होम्योस्टेसिस हो रहा है तो होम्योस्टेसिस का एलिमेंट्स क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो होम्योस्टेसिस में इन्वॉल्व होती हैं। बेसिकली होम्योस्टेसिस के जो एलिमेंट्स हैं ना, आपकी बॉडी में जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या होते हैं, वो सारे फंक्शन जिसके जरिए आपकी बॉडी का होम्योस्टेसिस होता है, जिसके जरिए आपकी बॉडी की कंडीशन, इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन की जाती है, वो सारे प्रोसेस क्या कहलाते हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कहलाते हैं। तो आपकी बॉडी में ये एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम मौजूद है। वो चेक एंड बैलेंस सिस्टम क्या है, वो चेक एंड बैलेंस सिस्टम ऐसा है कि वो आपकी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है। तो जो चेक एंड बैलेंस सिस्टम आपकी बॉडी में हो रहा है उसको फीडबैक सिस्टम कहते हैं, और फीडबैक सिस्टम जो है आपका होम्योस्टेसिस का एक एलिमेंट है, ओके। तो फीडबैक सिस्टम इज एन एलिमेंट ऑफ होम्योस्टेसिस। अब फीडबैक सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, फीडबैक सिस्टम में तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक होते हैं आपका रिसेप्टर, एक होता है आपका कंट्रोल सेंटर, और एक होता है आपका इफेक्टर। तो रिसेप्टर क्या होते हैं, आपकी बॉडी में अंदर की इन्वायरमेंट में जो कोई चेंज होती है उसको सेंस करने के लिए आपकी बॉडी में स्पेशल सेल्स मौजूद हैं जिनको हम रिसेप्टर्स कहते हैं। तो रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स विच आर फाउंड इन योर बॉडी, ठीक है। एंड उनका काम क्या होता है, दे सेंस एनी चेंज विच अकर इनसाइड योर बॉडी और इन द आउटसाइड इन्वायरमेंट। रिसेप्टर्स का काम है कि कोई भी चेंज जो आपकी बॉडी में हो रहा है उसको ये डिटेक्ट कर लेते हैं। जब ये चेंज डिटेक्ट कर लेते हैं, उस चेंज को ना ये भेजते हैं एक सिग्नल की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में,
ये हम चैप्टर आई गेस 18 में डिस्कस करेंगे। एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में भेजते हैं वो आपके कंट्रोल सेंटर के पास, और जो कंट्रोल सेंटर है वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो कंट्रोल सेंटर को वो बताते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरी के मुझे सर्दी लग रही है, बाहर का टेम्परेचर कम है मुझे सर्दी लग रही है। तो कंट्रोल सेंटर फिर क्या करता है, वो सिग्नल भेजता है आपके अफेक्टेड ऑर्गन को। और ये अफेक्टेड ऑर्गन क्या है, जब आपको सर्दी लगती है ना तो आपका अफेक्टेड ऑर्गन होता है आपकी ब्लड वेसल। जब आपको सर्दी लगती है आपकी ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, जब कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है ना तो उनसे ज़्यादा ब्लड फ्लो नहीं करता। याद रखना जब आपके आपकी जो ब्लड वेसल्स है ना, जो खास तौर पे जो स्किन के ऊपर मौजूद हैं ब्लड वेसल्स, अगर वहाँ पे ज़्यादा ब्लड फ्लो करेगा ना तो उस ब्लड के अंदर जितनी भी हीट होगी वो इन्वायरमेंट में लॉस हो जाएगी। अब आपको हीट बचानी है ना, क्यों हीट बचानी है, देखो आपको सर्दी लग रही है और आप चाहोगे कि आपकी बॉडी की जितनी भी गर्मी है वो अंदर ही रहे ताकि आपकी सर्दी खत्म हो जाए। तो आप क्या करते हो, ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट कर देते हो। तो एक अफेक्टेड ऑर्गन होगा आपका ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ब्लड वेसल की कुछ स्मूथ मसल्स होती हैं, उनको सिग्नल जाता है आपके कंट्रोल सेंटर से। इसके साथ साथ आपको सर्दी लग रही है तो आप शिवरिंग भी करते हो। इसके साथ साथ आपने देखा होगा जब आपको सर्दी लगती है तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं, लाइक आपकी जो स्किन पे बाल खड़े होते हैं वो इरेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये स्किन है तो बाल आपके खड़े हो जाते हैं। जब इसका ये आपके बाल इस तरह खड़े हो जाते हैं तो इनके बीच में एयर ट्रैप हो जाती है, और जब एयर ट्रैप हो जाती है ना, और समझो ये स्किन है और उसके नीचे ब्लड वेसल मौजूद हैं, तो अगर यहाँ पे एयर ट्रैप हो जाए ना तो यहाँ ब्लड वेसल से जो गर्मी है वो बाहर नहीं निकल जाती, नहीं निकल सकती। उसका रीज़न क्या है, बिकॉज ये जो एक एयर ट्रैप हो गई है आपकी इन आपके बाल खड़े होने की वजह से, एयर जो है एक एक्ट करती है एक इंसुलेटर के तौर पे। आप पढ़ते हो आगे, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा फिजिक्स में कि जो एयर जो है एक इंसुलेटिंग मीडियम क्रिएट कर देता है, और एयर की वजह से आपका जो टेम्परेचर है, जो हीट है, फ्लो नहीं कर सकती। ठीक है, तो एक ज़्यादा अच्छा, हम कह सकते हैं कि अच्छा कंडक्टर नहीं है आपका एयर, एयर इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हीट। तो क्या होगा कि आपकी हीट जो है बाहर निकल नहीं पाएगी, वो हीट भी आपकी बॉडी में जमा हो जाएगी। तो इसी तरह के आपके रिसेप्टर ने सर्दी डिटेक्ट की, सिग्नल भेजा कंट्रोल सेंटर को, और कंट्रोल सेंटर ने हुक्म दिया आपके ब्लड वेसल को कि तुम कॉन्ट्रैक्ट कर जाओ। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी तो ज़्यादा ब्लड फ्लो नहीं करेगा स्किन के ब्लड वेसल से, जब स्किन के ब्लड वेसल से ज़्यादा ब्लड फ्लो नहीं करेगा तो उसके नतीजे में फिर क्या होगा कि ज़्यादा हीट भी लॉस नहीं होगी। ठीक है, और इसके साथ साथ आपके स्किन के बाल भी खड़े हो जाते हैं, आप शिवरिंग करते हो, और फिर आपको सर्दी लगना कम हो जाती है। इसकी को मैं रीड करता हूँ कि होम्योस्टैटिक सर्वेलेंस इज बेस्ड अपॉन नेसेसरी फिजियोलॉजिकल चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी फंक्शंस दैट मेंटेन इट्स नॉर्मल स्टेट कॉल्ड फीडबैक सिस्टम। अगर पेपर में आ जाए डिफाइन फीडबैक सिस्टम तो आपने क्या लिखना है, फीडबैक सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम, या फिर आप ये लिख लो कि फीडबैक सिस्टम इज अ फिजियोलॉजिकल चेक एंड बैलेंस सिस्टम। क्या, फीडबैक सिस्टम इज द फिजियोलॉजिकल चेक एंड बैलेंस सिस्टम और चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म विच इज अकरिंग इन योर बॉडी टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। ओके, फीडबैक सिस्टम इज अ फिजियोलॉजिकल चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म विच इज अकरिंग इन योर बॉडी टू मेंटेन द इंटरनल इन्वायरमेंट विद इन अ नॉर्मल रेंज विद अ नॉर्मल स्टेट और टू डू होम्योस्टेसिस। जो फीडबैक मैकेनिज्म है उसके लिए तीन कंपोनेंट चाहिए, दैट इज रिसेप्टर चाहिए, कंट्रोल सेंटर चाहिए, अफेक्टर चाहिए। रिसेप्टर आर द सेंसरी ऑर्गन होते हैं जो न्यूरोलॉजिकली कनेक्टेड होते हैं आपके नर्वस सिस्टम के साथ। तो रिसेप्टर जो है वो नर्वस सिस्टम यानी कि कंट्रोल सेंटर के साथ कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट न्यूरॉन्स, हम इसको डिस्कस करेंगे आगे वाले चैप्टर्स में। और ये क्या करते हैं, दे डिटेक्ट एनी चेंज इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट एंड सेंड मैसेज टू द कंट्रोल सेंटर विच इज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो सिग्नल भेजता है अपने अफेक्टेड ऑर्गन को, वो डिफरेंट अफेक्टेड ऑर्गन होते हैं, वो हम ना आगे वाले चैप्टर्स में आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते जाएंगे। सारी बातें मैं आपको अभी बता दूंगा तो यू विल गेट कन्फ्यूज। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं सब बताता जाऊंगा। तो आपका कंट्रोल सेंटर जो है सिग्नल भेजता है आपके अफेक्टेड ऑर्गन को, उससे क्या होता है आपकी जो बॉडी की जो नॉर्मल स्टेट है वापस आ जाती है। अब हम फीडबैक सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि फीडबैक सिस्टम किस तरह के होते हैं। देखो, फीडबैक सिस्टम जो है बायोलॉजी में एक ऐसे रिस्पॉन्स को कहते हैं दैट इन्फ्लुएंसेस द कंटिन्यू एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी में एक काम हो रहा है, काम ये हुआ कि आपको कट लगा, आपको इंजरी हुई, और उस कट लगने की वजह से आपका ये ब्लड जो है बाहर निकल रहा है। अब जब ब्लड बाहर निकल रहा होता है तो फिर क्या होता है, यहाँ से इंजरी हुई है फॉर एग्जाम्पल इस जगह से, और ब्लड यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो आपकी बॉडी क्या करती है, सिग्नल भेजती है कि यहाँ पर प्लेटलेट्स आ जाएं, क्योंकि प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लड क्लॉट बना देते हैं जिससे ब्लड
निकलना बंद हो जाता है। तो आपकी बॉडी सिग्नल देती है प्लेटलेट्स को कि प्लेटलेट्स तुम आओ और यहाँ पर ब्लड क्लॉट करवाओ, यहाँ के यानी कि यहाँ पे क्लॉट बनाओ ताकि यहाँ से ब्लड बाहर ना निकले, वरना अगर नहीं बनाएंगे तो ब्लड बाहर निकलता रहेगा और आपका सारा ब्लड बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह हमें ब्लड क्लॉट बनता है। पहले एक प्लेटलेट आएगा आएगा जब एक प्लेटलेट आके ना इस इंजरी वाली जगह पे बाइंड हो जाता है ना, तो फिर वो यहाँ से कुछ सिग्नल रिलीज़ करता है। क्या? प्लेटलेट से कुछ केमिकल रिलीज़ होते हैं, कुछ सिग्नल रिलीज़ होते हैं जो और ज़्यादा प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करते हैं ताकि बहुत ज़्यादा प्लेटलेट यहाँ जमा होते जाएँ और पूरी जगह सील पैक हो जाए ताकि कुछ भी ब्लड बाहर लीक ना हो। ये तो हल्की इंजरी थी ना, अगर आपकी बहुत बड़ी इंजरी हो जाए तो फिर आपको ज़्यादा प्लेटलेट्स की ज़रूरत होगी ताकि ज़्यादा प्लेटलेट्स आएँ, और ज़्यादा प्लेटलेट्स के लिए ज़रूरी है कि जब एक प्लेटलेट आए ना तो वो दूसरे प्लेटलेट्स को भी बुलाए, फिर तीसरे को, चौथे को, पाँचवें को, यानी कि एक काम होने की वजह से वो काम बार बार होता जाए। उसकी जो चेंज थी कि यार एक प्लेटलेट आया है, एक इफेक्ट था ना कि आपको इंजरी हुई है और इंजरी की वजह से आपकी एक प्लेटलेट आया है और इंजरी वाली जगह पे लग गया है, तो उस एक प्लेटलेट लगने की वजह से और बहुत सारे प्लेटलेट बार बार आते जाएं, ये है फीडबैक। बट पॉजिटिव फीडबैक है, आपकी बॉडी में एक चेंज हुआ और उसके नतीजे में वो चेंज बढ़ता गया। एक और फीडबैक सिस्टम है कि आपको बुखार हो गया, जब आपको बुखार हो जाता है तो आपकी बॉडी क्या करती है, बहुत सारे मैकेनिज्म करती है, वो आपकी इंजरी यानी कि आपके बैक्टीरिया से बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ती है, और ये लड़ लड़ के क्या करती है, चाहती है कि आपका जो ब्लड, आपको जो बुखार हो गया, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है, वो दोबारा नॉर्मल हो जाए। तो ये कहते हैं नेगेटिव फीडबैक कि एक चीज़ बढ़ रही थी आपने उसको कम कर दिया। सेम इसी तरह अगर ऐसा हो कि बाहर आपको सर्दी लग रही हो, अगर सर्दी लग रही है तो बाहर का टेम्परेचर कम हो जाता है, जब बाहर का टेम्परेचर कम हो जाता है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो फिर मैंने कहा था ना कि आपको सर्दी लगती है तो आपकी ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, जब ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो हीट मौजूद थी ना वो बाहर नहीं निकलती, क्योंकि आपको हीट को, देखो दो काम होते हैं, अगर आपको लग रही है सर्दी तो आपको अपनी बॉडी के अंदर गर्मी बढ़ानी है, गर्मी बढ़ानी भी है और गर्मी बचानी भी है। और अगर आपको लग रही है गर्मी तो आप क्या करते हो, अपनी बॉडी को ठंडा करने की कोशिश करते हो, और ठंडा कैसे करोगे कि आपकी बॉडी की जो भी गर्मी थी वो सारी बाहर निकाल दो, जब गर्मी सारी बाहर निकल जाएगी तो फिर क्या होगा, ऑब्वियसली आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब ये गर्मी बाहर कैसे निकलती है, आपको पसीना आता है, पसीना आने की वजह से सारी हीट बाहर चली जाती है, सारी हीट ख़त्म हो जाती है। इंशाल्लाह हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे। तो यह है नेगेटिव फीडबैक कि आपको गर्मी लगी, गर्मी लगने की वजह से आपकी बॉडी ने सारी गर्मी बाहर निकाल दी तो आपकी गर्मी फिर कम हो गई, इसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। एक चीज़ हो रही थी आपकी बॉडी ने उसको कम कर दी, और अगर एक चीज़ हो रही थी यानी कि एक प्लेटलेट लग रहा था आपकी बॉडी ने और बहुत सारे प्लेटलेट्स को यहाँ पर अट्रैक्ट कर दिया, इसको कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। ओके, तो चलिए हम इसको रीड करते हैं कि फीडबैक इन बायोलॉजी आ रिस्पॉन्स विद इन अ सिस्टम। व्हाट इज फीडबैक? इट इज़ अ रिस्पॉन्स विद इन अ सिस्टम विच ट्राइज और विच इन्फ्लुएंसेस द कंटिन्यू एक्टिविटी ऑफ आ सिस्टम। वट इज़ अ फीडबैक सिस्टम? अ फीडबैक इज अ रिस्पॉन्स विच इज शोन बाई योर बॉडी विच ट्राइज टू इन्फ्लुएंस द एक्टिविटी ऑफ अ पार्टिकुलर सिस्टम। बट कौन सी एक्टिविटी? कंटिन्यू एक्टिविटी। कंटिन्यू एक्टिविटी का मतलब क्या है कि अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा था तो ऐसा ना हो कि आपकी बॉडी को टेम्परेचर को बढ़ने दिया जाए, आप काम करोगे और काम क्या करोगे कि आपके जो टेम्परेचर बढ़ रहा था उसको उल्टा कर दो, यानी कि टेम्परेचर अब कम करना स्टार्ट करवा दो। तो ये आपकी बॉडी फीडबैक सिस्टम के जरिए काम करवाती है। देर आर टू टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है, दैट काउंटर एक्ट अपॉन ईच अदर। अब फीडबैक दो तरह के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, मैं बता चुका हूँ। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है? कह रहे हैं पॉजिटिव फीडबैक इज कंसर्न विद इंक्रीज और इनिशिएट द चेंज ऑफ आउटपुट फॉर एनी बायोलॉजिकल प्रोसेस। कह रहे हैं पॉजिटिव फीडबैक क्या करता है? पॉजिटिव फीडबैक इज अ फीडबैक सिस्टम विच इज कंसर्न विद इंक्रीजिंग द इफेक्ट ऑफ एनी चेंज। अगर आपको पेपर में लिखने को आ जाए ना कि डिफाइन पॉजिटिव फीडबैक, और ये आता है, तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम इज अ टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम जो क्या करता है, विच इंक्रीजेज एनी चेंज विच हैज़ अकर्ड इन योर बॉडी। तो पॉजिटिव फीडबैक इंक्रीजेज द चेंज, ठीक है, कोई भी चेंज आई, यानी फॉर एग्जांपल आपको आपको कट लगा है, उस कट लगने की वजह से वहाँ पे प्लेटलेट्स लग रहे हैं, तो आपकी बॉडी इन प्लेटलेट्स के आने को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी ताकि प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा आते रहें, तो ये उस इफेक्ट को इंक्रीज़ कर रही है ना, कि और भी बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स को बुला रही है ना आपकी बॉडी, तो यह है कि इस चेंज को बढ़ा रही है। तो पॉजिटिव फीडबैक इज़ कंसर्न विद इंक्रीज और इनिशिएट द चेंज ऑफ आउटपुट, के आउटपुट का जो चेंज हुआ है इसको स्टार्ट कराता है। तो पॉजिटिव फीडबैक इज कंसर्न विद इंक्रीजिंग द इफेक्ट ऑफ एनी चेंज दैट अकर इन रिस्पॉन्स ऑफ अ बॉडी प्रोसेस। या फिर पॉजिटिव फीडबैक इज अ टाइप ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म जो क्या करता है, विच ट्राइज टू इंक्रीज एनी चेंज विच हैज़ अकर्ड इन योर बॉडी। तो पॉजिटिव फीडबैक क्या करता है, उस चेंज को बढ़ाता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर बॉडी इंजर्ड हो गई है तो ब्लीडिंग होगी, तो फिर पॉजिटिव फीडबैक एक्टिवेट हो जाएगा, प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करेगा, प्लेटलेट्स आएंगे उस इंजरी के साइड पे सर्कुलेटिंग ब्लड के जरिए, और क्या करेंगे उस डैमेज एरिया को पहचानेंगे, पहचानने के बाद वहाँ पर आपस में स्टिक होना शुरू हो जाएंगे, जब स्टिक टुगेदर करेंगे तो वहाँ पर एक ब्लड क्लॉट बन जाएगा और ब्लड का लॉस होना बंद हो जाएगा, और उस जो टीयर था उसको पैचअप कर देंगे यानी कि सील कर देंगे, इवेंचुअली ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाएगा एंड द लॉस ऑफ ब्लड इज कैप्ट टू अ मिनिमम एंड द पॉजिटिव फीडबैक एंड। जब ये पूरा काम हो जाता है, जब पूरा क्लॉट बन जाता है, फिर ये जो जब देखो पहले ब्लड निकल रहा था ना उसकी वजह से ये सिस्टम मेंटेन हुआ था, अब ब्लड निकलना बंद हो गया तो अब पॉजिटिव फीडबैक भी बंद हो जाएगा, जब ब्लड निकलना बंद हो जाएगा क्लॉट बन जाएगा तो फिर दोबारा और ज़्यादा क्लॉट का बनना भी बंद हो जाएगा। अच्छा एक सवाल है, अगर ये क्लॉट का बनना बंद ना हो तो क्या होगा? तो ये पूरा क्लॉट आपकी हर ब्लड वेसल के अंदर बनता जाएगा, और जब ये क्लॉट आपकी हर ब्लड वेसल के अंदर बनता जाएगा तो आपकी वो ब्लड वेसल जो आपके दिल को खून देती है उसके अंदर भी बन जाएगा क्लॉट, और जब वहाँ पर क्लॉट बन जाता है तो आपको हार्ट अटैक आ जाता है। तो देखो पॉजिटिव फीडबैक हुआ, ऑब्वियसली हुआ, ज़रूरी भी था यहाँ पर कि आपके ब्लड लॉस को कम किया जाता है, बट उसको ख़त्म करना भी ज़रूरी था, और वो कैसे ख़त्म होगा कि जो ब्लड पहले निकल रहा था अब वो नहीं निकल रहा, तो ये ब्लड क्लॉटिंग रुक जाएगी। ये आप MBBS में इंशाल्लाह बहुत डिटेल में पढ़ते हो, तो ऑब्वियसली आपने बायो लिए, तो यू ऑल नीड टू वर्क, कीप वर्किंग हार्ड, MD GAT क्लियर करके इंशाल्लाह MBBS में आना है, फिर आप इस सब को बहुत डिटेल में पढ़ोगे। ओके सो इवेंचुअली ब्लड क्लॉट हो जाता है और पॉजिटिव फीडबैक एंड हो जाता है। पॉजिटिव फीडबैक डज नॉट मेंटेन अ स्टेबल होम्योस्टैटिक कंडीशन, रादर इट इंटेंसीफाई द चेंज। देखो पॉजिटिव फीडबैक क्या करता है, जो भी चेंज आ रही थी उस चेंज को इंटेंसीफाई करता है, इंटेंसीफाई का मतलब है इंक्रीज करता है। तो पॉजिटिव फीडबैक ना ज़्यादातर आपकी बॉडी को स्टेबल नहीं करता, कि एक चीज़ बढ़ रही है तो उसको बढ़ाता जाता है, ठीक है, जब वो चीज़ बढ़ती जाएगी तो अब हर चीज़ का बढ़ना भी नुकसानदेह होता है ना। तो मैंने आपको बताया ना, अगर ये ब्लड क्लॉटिंग और ज़्यादा बढ़ती जाए तो इससे नुकसान क्या होगा कि आपकी बॉडी में इतनी ज़्यादा ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी तो आपके आपके हार्ट को ब्लड जाना बंद हो जाएगा और आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है। सो पॉजिटिव फीडबैक डज नॉट मेंटेन अ स्टेबल होम्योस्टैटिक कंडीशन, रादर इट इंटेंसीफाई द चेंज दैट इज हैपनिंग टू द बॉडी। पॉजिटिव फीडबैक क्या करता है, जो चेंज हो रही थी उसको इंटेंसीफाई कर देता है, और ये पूरी साइकिल वही है कि आपको कोई इंजरी होती है, ब्रेक आता है, टीयर आता है, उसके नतीजे में पॉजिटिव फीडबैक साइकिल एक्टिवेट हो जाती है, वो प्लेटलेट क्या आते हैं, प्लेटलेट्स आते हैं और उस इंजरी वाली जगह पर अधेर हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और कुछ केमिकल रिलीज करते हैं। जब वो केमिकल रिलीज होते हैं ना तो और ज़्यादा वो केमिकल और ज़्यादा प्लेटलेट्स को यहाँ पर अट्रैक्ट करते हैं, और फिर क्या होता है, पूरी यहाँ ब्लड क्लॉट बन जाता है और ये जगह पैक हो जाती है, प्लेटलेट प्लग पूरा बन जाता है। इसको कहते हैं प्लेटलेट प्लग का बनना, ठीक है, कि प्लेटलेट्स की वजह से कोई साइड सिक्योर हो गई है। ओके अब नेगेटिव फीडबैक क्या है, नेगेटिव फीडबैक यार ऐसा सिस्टम है कि अगर आपकी बॉडी में कोई चीज़ बढ़ रही है ना तो ये उसको कम कर देगा, अगर कोई चीज़ कम हो रही है तो उसको बढ़ाएगा, यानी कि नेगेटिव फीडबैक ऑलवेज सप्रेस द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी टू ब्रिंग द बॉडी टू नॉर्मल स्टेट। नेगेटिव फीडबैक इज कंसर्न विद स्टेबिलिटी, ठीक है, हमने ऊपर पॉजिटिव में पढ़ा ना कि पॉजिटिव की वजह से स्टेबिलिटी आपकी बॉडी में इतनी नहीं आती, आती है इतनी नहीं आती, पर नेगेटिव फीडबैक इज कंसर्न विद द स्टेबिलिटी ऑफ योर इंटरनल इन्वायरमेंट। और नेगेटिव फीडबैक क्या करता है कि कोई भी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो हो रहा था उसको सप्रेस करता है, ठीक है, अगर आपको गर्मी लग रही थी तो क्या करेगा कि वो वहाँ से बहुत ज़्यादा पसीना आपकी बॉडी से निकालेगा, ताकि गर्मी क्यों लग रही थी, क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा था, तो आप क्या करोगे उस बॉडी के तो आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा था ना, तो कुछ आपकी बॉडी में ऐसे सिस्टम हो रहे होंगे जिनकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा था, तो आपकी बॉडी उन तमाम फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म को सप्रेस कर देगी, ख़त्म कर देगी जिसकी वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा था, इसको नेगेटिव फीडबैक रिस्पॉन्स कहते हैं। कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल वेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड एंड बॉडी टेम्परेचर डिक्रीजेज बिलो द सेट पॉइंट, अगर बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर सेट पॉइंट से नीचे चला जाता है। अब सेट पॉइंट क्या होता है, सेट पॉइंट एक वो टेम्परेचर होता है या एक वो एक कह रहे हैं कि एक नंबर होता है, एक वो वैल्यू होती है, ठीक है, एक वो वैल्यू होती है जिसके अराउंड आपकी बॉडी की नॉर्मल लिमिट्स रहती हैं। तो सेट पॉइंट इज दैट न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ लिखा हुआ भी है, अ सेट पॉइंट इज द फिजियोलॉजिकल वैल्यू और दैट न्यूमेरिकल वैल्यू अराउंड विच द नॉर्मल रेंज जो है वो फ्लक्चुएट करती है। यानी अब देखो हमेशा ऐसा थोड़ी होता है आपकी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 रहे, 98.6 से कभी वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट रहेगा इसी 98.6 के आसपास ही। इस 98.6 को हम कहेंगे सेट पॉइंट, और ये जो आसपास की रेंज है उसको हम नॉर्मल रेंज कहेंगे। कि नॉर्मल रेंज इज़ द रिस्ट्रिक्टेड सेट ऑफ वैल्यू दैट इज ऑप्टिमली हेल्पफुल एंड स्टेबल। नॉर्मल रेंज ये वो रेंज होती है जो बिल्कुल एग्जैक्टली सेट पॉइंट के अराउंड तो नहीं होती, सेट पॉइंट के बराबर तो नहीं होती, हाँ, बट उसके आसपास रहती है। और उसके आसपास रहना क्यों ज़रूरी है यार, उसलिए रहना ज़रूरी है कि आपकी बॉडी की
हेल्दी एक्टिविटी के लिए और आपकी बॉडी के स्टेबल रहने के लिए आपकी जितनी भी फिजियोलॉजिकल वैल्यूज़ हैं वो सेट पॉइंट के आसपास रहना ज़रूरी है। तो नॉर्मल रेंज इज़ द रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू और इट इज़ अ सेट ऑफ वैल्यू। अब नॉर्मल रेंज एक वैल्यू नहीं है, नॉर्मल रेंज कैन बी योर के 98 से लेके 99 तक, उसमें 98.6 भी आ जाएगा। तो 98 से लेके फॉर एग्जांपल 99 तक ये आपकी बॉडी की टेम्परेचर की नॉर्मल वैल्यू है, कि इसके अराउंड ये नॉर्मल रेंज है, इसके अराउंड आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, अगर इससे ज़्यादा कम होना शुरू हो जाए या इससे ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए, तो ज़्यादा होगी तो बुखार हो जाएगा, कम होगी तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। ओके, तो ये था। तो नेगेटिव फीडबैक लूप विल कॉज द बॉडी टू शिवर। अगर आपको सर्दी लग रही है तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की वजह से आपकी बॉडी में शिवरिंग होगी और हीट पैदा होगी। जब शिवर करते हो तो हीट पैदा होती है, उससे क्या होता है, जो टेम्परेचर कम हो रहा था अब उस हीट पैदा होने की वजह से दोबारा सेट पॉइंट पे चला जाता है। अब ये पूरी साइकिल बना के दी है, मैं इसको यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर था, अगर वो नॉर्मल टेम्परेचर कम हो जाता है यानी कि सर्दी लग रही है, तो फिर आपकी बॉडी आपके रिसेप्टर जो है ना, मैंने आपको कहा था ना कि फीडबैक सिस्टम के तीन कंपोनेंट है, एक है रिसेप्टर, तो रिसेप्टर जो है ना इस टेम्परेचर के कम होने को डिटेक्ट करेंगे। तो रिसेप्टर विल रिकॉग्नाइज दैट द टेम्परेचर इज बिलो द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, सो दे विल कंसिडर इट एज अ कोल्ड, कि ये सर्दी है। फिर वो आपके सिग्नल भेजेंगे आपके सेंसर को, ठीक है, सेंसर यानी कि रिसेप्टर को, यानी रिसेप्टर ही बेसिकली सिग्नल रिसीव करेगा। फिर रिसेप्टर के जरिए वो सिग्नल जाएंगे आपके न्यूरॉन्स के जरिए कंट्रोल सेंटर के पास, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहचान लेगा कि यार ये तो टेम्परेचर मेरी बॉडी का कम हो रहा है। अब अगर कम हो रहा है तो उसको ये बढ़ाएगा, बढ़ाने के लिए आप क्या करेगा, ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। जब ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो मैंने आपको कहा ना कि अगर आपको अगर ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी ना, तो उन ब्लड वेसल से बहुत ज़्यादा हीट ज़ाया हो रही होती है आपके स्किन के जरिए। तो अभी तो आपको हीट बचानी है ना, आपको वैसे ही सर्दी लग रही है, अगर आप हीट ज़ाया होने दोगे तो आपकी बॉडी की हीट कम होती जाएगी, आप और ज़्यादा ठंडा हो जाओगे। तो आप ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट करते हो ताकि वो हीट लॉस जो आपकी स्किन के ब्लड वेसल्स के ऊपर से हो रहा है वो अब ना हो। इसके साथ साथ देखो, जब पसीना आता है तो आपको पसीना उस वक्त आना चाहिए जब आपको गर्मी लग रही है। अगर आपको सर्दी लग रही है तो ऑब्वियसली आपको कभी पसीना नहीं आएगा, अगर आपको सर्दी लग रही होती है तो स्वेट ग्लैंड भी इनएक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि अगर स्वेट निकलेगा तो आपकी गर्मी भी निकल जाती है। तो अगर ब्लड वेसल ज़्यादा डायलेट करेंगी तो गर्मी निकल जाएगी, और आपके स्वेट ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे और पसीना निकालेंगे तो उसके जरिए भी गर्मी निकल जाएगी। याद रखना, गर्मी निकालने के दो तरीके हैं, ब्लड वेसल डायलेट कर जाएं, डायलेट यानी कि थोड़ी साइज में इंक्रीज कर, यानी कि अगर पहले ऐसी थी तो साइज में इंक्रीज कर जाएं, ठीक है, ये ब्लड ब्लड वेसल्स का डायलेट करना। लेकिन सर्दी में क्या करते हो, अब इनको कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कॉन्स्ट्रिक्ट करते हो ताकि छोटी हो जाएं, और जब इनसे कम ब्लड जाए, जब इनसे कम ब्लड जाएगा तो हीट लॉस होगी, थोड़ी बहुत होगी बट कम होगी। इसके साथ साथ आगे जो आपके बाल भी खड़े हो जाते हैं, मैंने ये भी ऊपर बताया था। ओके, और फिर ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम जो जाके फाइनली, जब एक तो स्वेट ग्लैंड के जरिए स्वेट पैदा नहीं हो रहा, ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई है और उससे ज़्यादा पसीना, ज़्यादा हीट लॉस भी नहीं हो रही और शिवरिंग भी कर रहे हो, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो कम हो गया था अब दोबारा नॉर्मल हो जाएगा, थोड़ा बढ़ेगा और नॉर्मल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको गर्मी लग रही है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है, इट इज़ अबव नॉर्मल, आपको गर्मी लगेगी, ये गर्मी जो है आपके रिसेप्टर सेंस कर लेंगे, जो सेंसर कहलाते हैं आपके, वो सिग्नल भेजेंगे आपके कंट्रोल सेंटर को, कंट्रोल सेंटर देखेगा कि ये टेम्परेचर तो 98.6 से ज़्यादा है। अगर ये 98.6 से ज़्यादा है तो क्या करेगा, बोलेगा गर्मी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है तो बोलेगा ब्लड वेसल्स तुम सारी डायलेट कर जाओ ताकि ज़्यादा गर्मी निकल जाए, और स्वेट ग्लैंड तुम भी ज़्यादा पसीना रिलीज़ कर दो ताकि जितनी भी गर्मी है पसीने के जरिए निकल जाए, और फिर आखिर में ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा और जो गर्मी लग रही थी अब वो टेम्परेचर और कम कर देगी और दोबारा वो नॉर्मल की तरफ ले आएगी, दैट इज़ अराउंड 98.6। तो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा लंबा हो गया टॉपिक मैं समझता हूँ, बट ये बहुत ज़रूरी था आपको समझाना, क्योंकि जो भी मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट दिए हैं ना, ये टेम्परेचर वाले या आगे थर्मोरेगुलेशन का टॉपिक आएगा वहाँ पर आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। तो इंशाल्लाह आपने सारे लेक्चर्स लेने हैं और आई विल कीप ऑन मेकिंग मोर वीडियोज़, कभी कभी लेट भी हो जाया करूँगा, बट आई प्रॉमिस इंशाल्लाह कि आपके एमडीकेट से पहले और आपके बोर्ड एग्जाम से पहले सेकेंड ईयर के कंप्लीट लेक्चर्स विल बी अवेलेबल टू यू। मैं फर्स्ट ईयर के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, और ये भी न्यू बुक के अकॉर्डिंग लेक्चर्स हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप सपोर्टिंग मी, डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स, इट विल हेल्प मी, इट विल बेसिकली मोटिवेट मी कि मैं और ज़्यादा लेक्चर्स बनाऊँ। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।